अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह प्यारे दोस्तों, मैं तुहाड़ा अपना दोस्त सफदर सिंह। तो सर ये मेरा यूट्यूब चैनल अपना वसेब, अगर चैनल पर नवे हुए तो सब्सक्राइब कर छोड़ो सो, तो बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करो ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो तुम दोस्तों तक पहुँच वही। चंद सैकेंड की वीडियो देख के आते पैवे और थंबनेल भी तो पता लग गया उसी केरे टॉपिक के बारे है। नौजवान बाल 13, 14, 15 साल, 16 साल उम्र हो सी इंदी, होए रब्बा मैं इंदे बारे डिटेल गाल करे सा। इतनी टेंशन मैं को अपने वसेब दी है ना, मैं अल्फाज बयान नहीं कर सकता। अपने वसेब डीजी खान दी, मेरा वसेब जेरे काम में जे लग गए ना तबाह थे वेंदे। नौजवान इंजे मारे वेंदे ना, बेदर्दी नाल कतल किए वेंदे पैन, इंजे बेदर्दी नाल अल्फाज क्या नहीं मेरे कने बयान करन दे। बसरा मरीड़ी शाका खख जड़ा तो तुसा सुने पैवे, इन्हें दा जड़ दा असल वजह ही हो नौजवान ही हो बाल जी वीडियो तुसा देख के आंदे पैवे, इंदी वजह कने जड़ा थींदे। आम जबान है असाई को लौंडेबाजी छुअरबाजी, मेरे कने मतलब कन्फर्म खबर जो सोशल मीडिया जरिए कन्फर्म खबर है वो ही है कि ही बाल ही नौजवान की वजह कने जेड़ा शुरू था। आज 18 अक्टूबर तारीख है मेरे ख्याल च, मैं कन्फर्म कर गिना वाला जी 18 अक्टूबर 19 अक्टूबर बारोज बुध, हाँ कल बुध है मेरे ख्याल च, मैं वाला दे गिना बल्कि जुमेरात 19 अक्टूबर जुमेरात को 11 बजे बुखारी चौक बसरा मरीडी का जनाजा है कल दे रही। इंशाल्लाह मेरा पक्का जहन है कि मैं जनाजे ते वेसा, क्योंकि मुसलमान मुसलमान दे जनाजे ते वन हक बन दे, और जरा कत्ल थी वे ना जो सुन दे पे हैं बगैर कसूर दे वो शहीद होंगे, और शहीद दे जनाजे ते वन बहुत बड़ी सारी गाल है। शाका खक हुकूं कतल किया गया, वह भी मेरे ख्याल है मजलूम है शहीद त्या है, हुकूं बेदर्दी नाल कतल किया गया, गोलियां मारिया गया, कोई इंजे जड़े कहना नूट के दे छुआर दे रहा जड़ा ही। अगर थोड़ा जहा तामोल बर्दाश्त नाल काम घेने ना, शायद ही नौबत तक गाल ना आवे। हाँ बसरा मरड़ी को किवें कतल किया गया, सैफा भूखी का आडियो बयान आडियो मतलब हूँ वायरल थे तुम सुनया उसी, वो भिरा अपने को फोन करें दे शिकरा को, आदे शिकरा ही को मार के आओ, ये पाकिस्तान ही रहा नहीं देंदा। वो अल्लाह दे नेक बंदे को कोई समझावे हा कि बंदे मारन कोई सुखी गल कह नहीं, अगर कोई मार के आवे ना वो आप भी सुकून नहीं गुजरें दे। अगर तू को मारन का आखदा पी ना, तेरा भिरा भी उतों सुकून वाल तो ना वल सी, और बाहर के ममालिक जो कानून है ना वो पाकिस्तान कने डिफरेंस हैं। पाकिस्तान के कानून अल्लाह माले के पैसा दे तो जान छोड़ो गाल खत्म, जे जहा जुर्म भी तुसा की पैवे ठीक है ना, लेकिन गैर मुल्क जो जुर्म है ना अपना सॉरी कानून है ना वो मुजरिम को इवें सजा ही देते, तुम्हारी सारी सोच कि भी ज़्यादा। हूँ अल्लाह के नेक बंदे ने यह नहीं सोचा कि मैं विराह की जिंदगी तबाह कर रहा पा, मैं बे बंदे की जिंदगी तबाह कर रहा पा, अगर थोड़ा जहाँ बर्दाश्त तामोल कर भी ना शायद इन बद तक गल ना हो गया। वो आदे सैफा टेंशन क्या नहीं, बंदे तैयार की गया, मैं कल की टिकट ही मेरी थी भी कल मैं बंदे को मार करें, लोकेशन तो बंदे इन भेजी पाँ जी मेरे को मौका मिल दे मैं को मार करें उस। वो अल्लाह का बंदा मंजली नाल ही मतलब जी मैं सादगी बैठा होंगे ना, बैठा ही होटल दे उते खाना खावन गया बैठी, तू चाह पीवन गया बैठी, वल्ला वालम कोई पता कह नहीं, कंड ते वार नहीं करींदा दुश्मन, अगर है जरूरत तो सामना कर ठीक है ना। पांच छह बंदे वेंदे ने बंदे को एक बंदे कतल करने वास्ते, और वही वही करी पिछो कंड ते वार करें, कंड ते में छुरा मरें, होए होए जवान उठदे वलाए भिड़दे लहू लुहान थी वेंदे, भिड़दा है पांच छह बंदे नाल भिड़ वेंदे, छुरे मरेंदन को जल्द छुरे लगते इंसान लहू लुहान थींदे, इंसान को पीछे दर्द तकलीफ खा वेंदी है। एक छोटा जहाँ कंडा लगे ना असा को, असा कंडे दे दर्द को बर्दाश्त नहीं से कर सकते, और उन्हें
छुरे जले मारे ना छुरे आरो पार हम और बकायदा वीडियोज हैं उनके लहू लुहान थे प्या शोदा ठीक है ना। और पीछे उनको दोस्त अहबाब चैंदन हस्पताल तक नहीं पहुंच सकता शहीद थी वे फौत थी वे शोदा तकरीबन हफ्ता हफ्ता डाढ़ी मरा थे पे कल उनकी लाश आज पहुंच गई उसी यार रात पहुंच सी कल पहुंच सी कल उनका जनाजा है 11 बजे बुखारी चौक दोस्त एक पोस्ट की थी पे इंशाल्लाह वाला मैं कन्फर्म करके थे कल इंशाल्लाह जनाजे थे जरूर भेजा हूँ। मैं आखसा कि यार अगर तुरी दुश्मनी है ना मुँह के सामने गल करो मुँह के सामने हमला करो कंड के पिछों कतल कंड के पिछों हमला करके कितों तुसा दिलेर थी दे अगर तुसा तो हिम्मत कहना ही तो पता बंदा सारे कहीं डाढ़ा है अगर असं सामने वही के वार कर सौ तो सारे उत्ते चढ़ी कर वैसी तो ही वजह कने तुसा कंड के पिछों ही वार की और बंदे को मार लीते वे होए मैं ब्याह सारे इलाके का मेरे अपने इलाके का मामला थे ही में कतल थे ही ते कातिल ने आप रसाया है कि मैं दू गोलियां अगले मकतूल को मारे सीने के बिच ठीक है ना त्रीजा हूँ इतना मार इतना मन दे दीते सके इतना मार दी चौदा पिछे ढा सही मैं ना इतना ढा सही त्रीजा फैर ने मैं मत्थे जल्द किते ना पिछे जवान डटे हुए और चांदड़ी मारा मतलब उत्थां इवें भर खड्डा कटते पूर सटे ने अल्लाह माफ फरमावे अल्लाह दर्द तो बेजारी है कहीं मामला तो दसीदे नहीं ज्यादा शो नहीं करेंगे बरल गल ये पे कर मैं कि अगर दुश्मन ना लड़ाई करनी है तो सामने करो कंड के पिछों बुजदली होंगी है कंड के पिछों तुम शेर कहने दिलेर कहने जौने का मुकाबला मूह के सामने करेंगे शकरा जरवार उतना जाए गया साफ जहर उतना नहीं छुटता सजाए मौत थी वे उतना सऊदिया के अंदर वाकियात है उन्हें भी दिवारे अंदर फैसला ले दीते और भी दिवारे के अंदर अंदर बंदे का सर कलम कर दिते ने सजाए उम्र देवेन उम्र कैद की सजा देवेन या सजाए मौत देवेन वो कतल उतना जाए गया वो मजलूम उतना जाए गया इतना जड़ा इतना लाते थे मेरी दस्त बस्ता गुजारिश है अमजद सरदार अमजद खोसा कने और सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा कने सरदार जुल्फकार खां खोसा कने के मामलात को ठडे करो तुम उनके सरदार ही वे इन मामले को ख़त्म करवाओ खानदान जाये थींदे पैन बंदे जाये थींदे पैन और निके बाल यतीम थींदे पैन उन्हें दा मुस्तकबिल प्यू दे इलावा कोई मुस्तकबिल कहनी इंसान दा ठीक है ना उन्हें दा मुस्तकबिल दाओ ते वेंदा पे ओ जाये थींदा पे वास्ता तो अल्लाह दे इन मामले को जल्द से जल्द ख़त्म करवाओ तमाम तमाम सरदारें कने मेरी गुजारिश है अल्लाह पाक असां तुसां सारे बाप हिफ्ज माने रखे और अल्लाह पाक इंजे आफात इंजे मुसीबतें करें असा को महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।